पार्टी में शामिल हो गए, उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया, उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी। लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं, भाषणों में कन्नड़ा से लेकर तमिल तक, तमिल से लेकर गुजरात, फिर गुजराती तो है ही है, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर चीज पे वो अपनी मास्टरी करना चाहते हैं। जब उन्होंने पहले से ही उन्होंने लोगों को डराना, धमकाना, क्या करना, ये तो उन्होंने पहले से ही करते आए हैं, अभी भी वही एक अपना रुख रखे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरूरत है। मेरी लोकसभा चूरू की जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज़ को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज़ को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूँगा।